वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण बाड़मेर में गुरुवार को 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन बाधित रहा। पर्याप्त वैक्सीन के अभाव में बुधवार शाम से रजिस्ट्रेशन साइट बंद रही और 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोग रजिस्ट्रेशन साइट के खुलने का इंतजार करते नजर आए। चिकित्सा विभाग बाड़मेर को 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की 5000 डोज मिली थी, जिसमें जिले के 4291 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। बाड़मेर जिले में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के बाद बीते सोमवार से जिले में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन वैक्सीनेशन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण बाड़मेर जिले में गुरुवार को 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को टीके नहीं लगे। बुधवार शाम से युवा एवं 44 वर्ष से कम उम्र के लोगों ने रजिस्ट्रेशन साइट को खंगालते नजर आए, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण रजिस्ट्रेशन साइट भी बंद हो गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल विष्णोई ने बताया कि 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए विभाग को 5000 डोज मिली थी, जिनके बाद 3 दिन पूर्व जिले के 9 वैक्सीन सेंटरों पर वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया गया था। जिले भर में 9 सेंटरों पर पिछले 3 दिन में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के 4291 लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई गई, जिसमें बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक 1138, बालोतरा में 1078 लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई गई। सीएमएचओ डॉक्टर विष्णोई के अनुसार वैक्सीन सेंटरों पर कम डोज बची होने के कारण वैक्सीनेशन स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही विभाग के पास वैक्सीन की सप्लाई मिलेगी, उसके उपरांत 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। हाँ, हमारे पास 18 प्लस लोगों के लिए 5000 डोज मिली थी। हमने हर ब्लॉक पे और बाड़मेर और बालोतरा के लिए शुरू की थी। 3 दिन हमारे पास 4291 लोगों को डोज लगा चुके हम, और बाड़मेर में 1138 और बालोतरा में 1078 लोगों को हमने 18 प्लस लोगों को टीके लगाए हैं। तो सर कारण क्या है जिस वजह से टीकाकरण शुरू नहीं? मैक्सिमम जगह हमारे टीके खत्म हो गए। हम जैसे ही नेक्स्ट बैच आएगा हमारे पास 18 प्लस वालों के, हम वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। उनका अभी हमारे पास कंसाइनमेंट आया नहीं, जैसे ही हमारे पास डोज मिलेगी हम पेपर में देखे के टाइम पे लोगों को इंटीमेट कर लेंगे। 18 प्लस उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग बाड़मेर को वैक्सीन की 5000 डोज मिली थी, जिसमें बायतू में 318, बालोतरा में 1078, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 1138, चौटन में 195, धोरीमीना में 379, रामसर में 296, शिव में 296, सिंधरी में 300, सिवाना में 291 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। सीएमएचओ डॉक्टर विष्णोई के अनुसार 45 से 60 वर्ष तक के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास 6,70,377 लोगों का टारगेट था, इसमें से 3,66,273 लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य किया जा चुका है। जिले में 45 से 60 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीनेशन का प्रतिशत 54.64% है।